आज 131वीं जयंती है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की, और सबसे पहले तो इस राष्ट्र निर्माता की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने ये जंबोरी मैदान वर्ली में जो बाबा साहब की जयंती का सेलिब्रेशन देखा है, ये जयंती का जल्लोष आपने जो देखा है, ये पिछले 2 साल से कोविड की वजह से सेलिब्रेशंस हो नहीं पाए। हम बाबा साहब को हमारे आदर्श मानते हैं और इस देश पे जो उनके उपकार है इसको हम हर साल जयंती के रूप में जोश जल्लोश के साथ में हम मनाते हैं। उनकी याद में वो कृतज्ञता जो हमारे इसमें है, जो काम उन्होंने किए हैं पूरे देश के लिए और हमारे लिए, इसको याद करते हुए ये जल्लोश जो है ये ऐसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। 2 साल का जो लोगों के मन में बाबा साहब के प्रति जो आदर है उसको निकालने का मौका उनको यहाँ पे मिला है, इसलिए ये लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर ये पूरे BDD चाल जो ऐतिहासिक चाल है जहाँ पर बाबा साहब खुद आए हुए थे, ये जंबोरी मैदान यहाँ से लोगों ने खुद काफ़ी सारे सत्याग्रह जो है यहाँ से किए, ये ऐतिहासिक जंबोरी मैदान में ये 131वीं जयंती की शुरुआत जो है बहुत बड़ी पैमाने पर धूम धड़ाकों के साथ में यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर इन सभी वर्ली वासियों को मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में, इस बाबा साहब की जयंती के जल्लोश में हमें साथ दिया, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये सब प्रोग्राम जो है, ये जो जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप है इन्होंने स्पॉन्सर किया, दिस इज पावर्ड बाय जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप, जिसके गिरीश जी ये CEO है, और कुछ ही बहुत ही कम समय में ये पूरे देश में तहलका मचा रहा है, यंग लोगों के पास में, हर एक के पास में। यहाँ पे भी आपने देखा कि जब वो एंकर पूछ रहे थे कि क्या आपने डाउनलोड किया है, सब ने हाँ बोला है, लाखों लोगों के पास में ये पहुँच चुका है। और जो मैंने कहा कि 150वीं जयंती तो बहुत बड़े पैमाने पे होगी, और तब तक ये जय भीम ऐप जो है हमारा दुनिया का नंबर 1 हो जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं यहाँ पर देता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत खुशी हुई है, हमारे लिए मार्गदर्शक है डॉक्टर हर्षदीप कांबळे, और जब वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा जल्लोष जो यहाँ मनाया जा रहा है उसके पीछे हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए हमारा जो प्यार है वो वर्ली वासियों ने दिखाया है। ये तो सिर्फ जयंती की पहली रात की सेलिब्रेशन की शुरुआत है, अब यहाँ से जो चिंगारी निकली है ये पूरी दुनिया में जाएगी, ये सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला है। और जय भीम शॉर्ट वीडियो की ऐप से ये इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई उसमें हमको कई सारे मार्गदर्शक मिले हैं, उनमें हर्षदीप कांबळे साहब आए, उनके अलावा निखिल मेश्राम साहब है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे साथीदार हैं जिन्होंने इसका साथ दिया, कई सारे कलाकार आए जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और वर्ली वासियों ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। संभाजी भगत साहब है, आइए आइए, संभाजी सर भी है, इनका एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ हुआ है, तो सभी ने बड़ी खुशी के साथ इस जल्लोश में शामिल हुए हैं, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। संभाजी भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये स्टेज पर? एक तो बाबा साहब का जन्मदिन है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया युग का मीडिया है, और हमारे देश के जो भी दबे कुचले समाज से जो ऑफिसर्स आए हैं, शिक्षित लोग आए हैं, इन्होंने राइट टाइम पे राइट चीज़ की है, राइट टाइम पे ऐप निकाला है। हमारा देश का जो यूथ है, चाहे अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब लोग ये जय भीम ऐप को अभी डाउनलोड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जय भीम ऐप में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट तो है, उसके साथ में एजुकेशन है, उसके साथ में एंटरप्रेन्योरशिप है, ये 3 चीज़ें हम एक साथ में दे रहे हैं। और मैं जलसा करता हूँ, ये जो CEO है हमारे गिरीश जी, उन्होंने और हमने तय करके गांव-गांव में मैं जलसा कर रहा हूं, और ये भीम जयंती के अवसर पर हर एक गांव, जिधर जिधर मैं गांव-गांव में जा रहा हूं वहां ये डाउनलोड लोग कर रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं कि दादा आपने जो बोला ये ऐप हम डाउनलोड किया है, बहुत अच्छा ऐप है, और बाबा साहब के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये ऐप अभी फैलेगा। जैसे डॉक्टर हर्षदीप कांबळे ने कहा कि ये देश भर नहीं दुनिया भर जाएगा और ये दुनिया का आइकॉन बनेगा। हम जो दूर दराज के देहातों में जाके लोगों के लिए कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, या और भी लोग बढ़ेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो छोटे मोटे जो गायक है ये लोग भी हमारे साथ में आ जाएंगे, तो और देहातों में ये जाएगा। धन्यवाद,
मैं बाबा साहब के जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबको जय भीम जय था। जो पोस्टर में लिखा है ना जल्लोश, वाकई में वो जल्लोश यहां पर देखने मिला। और मेरी खुशकिस्मत ये है कि मैं जिनको बचपन से जानता हूं, इनको सुनता आया हूं यहां वहां से, तो आज मैंने इनके दर्शन भी किए। और गिरीश जी मेरे अच्छे मित्र हैं, जब इन्होंने ऐप की शुरुआत की तो इन्होंने बताया कि वाकई में ये जो ऐप है ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, इन्होंने सही कहा, इसमें जो है शिक्षा मिलेगी और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने की सहूलत देगा ये ऐप, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं आ रहे हैं उनको ये बढ़ावा देगा, सबकी मन की इच्छा पूरी होगी, सब झलकेंगे। मैं बोलता हूँ जब टिकटॉक जैसे ऐप यहाँ पे आके धूम मचा के गए तो हमारे देश का अपना खुद का जय भीम सब तरफ जाना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम।